हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे सेलेंट्रेटा के बारे में। इनको हम निडेरियंस भी कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी आप ज़रूर देखिएगा। आज हम फाइलम सेलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हैबिटेट इनका क्या होता है, ये कहाँ पर आपको मिलेंगे। सो दे आर एक्वेटिक एंड मोस्टली मैराइन। तो ये एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहने वाले जीव होते हैं, और ज़्यादातर ये मैराइन जगह पर पाए जाते हैं, यानी सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। ये सेसाइल होते हैं या फिर फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल ये होते हैं। इनका जो नाम है निडेरिया वो कहाँ से आया है, तो निडेरिया जो आया है वो आया है नीडोब्लास्ट से। नीडोब्लास्ट जो होते हैं क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि पाया जाता है टेंटिकल्स पे और बॉडी पे। तो जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं उनके टेंटिकल्स पे और उनकी बॉडी पे नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, जो नीडोब्लास्ट होते हैं इनमें स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जिनको हम निमेटोसिस्ट्स भी कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है नीडोब्लास्ट का, नीडोब्लास्ट का काम होता है कि ये एक तो चिपकने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास टेंटिकल्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रा आपने देखा ही होगा, तो हाइड्रा किस तरीके का होता है, हाइड्रा में इस तरीके से हमारा ये हाइड्रा होता है और इसके ऊपर ऐसे करके टेंटिकल्स होते हैं। तो इन टेंटिकल्स के ऊपर ये हमारे सिंडोब्लास्ट जो हैं प्रेजेंट होते हैं, यानी नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नीडोब्लास्ट हमारे होते हैं ये किस लिए हेल्प करते हैं, एक तो एंकरेज में, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर इनको पकड़ना है तो उसमें हेल्प करते हैं, डिफेंस करने में हेल्प करते हैं, और कैप्चर करते हैं ये प्रे को, यानी प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं, यानी खाना जो होता है इनका उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। जो इनका डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, सेंट्रल में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जिसमें एक इनकी ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं, और ये हाइपोस्टोम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं, ठीक है। अब कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिनके पास स्केलेटन सिस्टम होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जैसे कि कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कोरल्स होते हैं उनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन होता है। निडेरियंस जो हैं उनके पास दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा, ठीक है। दो फॉर्म्स होते हैं निडेरियंस के पास, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो हमारे पॉलिप्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होते हैं, जैसे कि हाइड्रा और एडेम्सिया, हाइड्रा और एडेम्सिया इसका एग्जाम्पल है पॉलिप फॉर्म का। इसके अलावा मेड्यूसा फॉर्म भी पाए जाते हैं जो कि अम्ब्रेला शेप की होती है। जैसे कि पॉलिप फॉर्म सिलेंड्रिकल होता है, उसी तरीके से जो मेड्यूसा फॉर्म होती है वो अम्ब्रेला शेप की होती है, और इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया या फिर जेलीफिश जिसको कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग होते हैं जो हमारी मेड्यूसा होते हैं। अब कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जो कि दोनों फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं, पॉलिप फॉर्म में भी और मेड्यूसा फॉर्म में भी। जिन निडेरियंस में दोनों तरीके के फॉर्म्स पाए जाते हैं तो उनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है जिसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। यहाँ पे जो पॉलिप फॉर्म होती है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा फॉर्म बनाती है, और मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप फॉर्म बनाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉलिप फॉर्म जब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो मेड्यूसा बनता है, और जब मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो पॉलिप फॉर्म बनता है। जो हमारे ये सिलेंट्रेट्स हैं इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फिसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसको कहा जाता है, एडेम्सिया जिसको सी एनिमन कहा जाता है, पेनेंटुला जिसको सी पेन कहा जाता है, गोर्गोनिया जिसको सी फैन कहा जाता है, और मिंड्रीना जिसको ब्रेन कोरल कहा जाता है। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नाम दिए हुए हैं, और कोई भी एग्ज़ाम जो होता है जिसमें कि 11th 12th की बायोलॉजी आती है या कोई भी सब्जेक्ट आता है 11th 12th का, तो एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इनके कॉमन नेम भी दिए हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनको पढ़ें और याद भी करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे सिलेंट्रेट्स की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।